हाय फ्रेंड, मैं ओम प्रकाश। मैं आपको आज टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और उसमें सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहले किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं टेक्निकल। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन फॉलो करना होता है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ठीक है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड ऊपर की तरफ है और हम मान लीजिए उसमें हम डाउन ट्रेंड सोच के बैठे कि गिरेगा गिरेगा, प्राइस गिरेगी फॉल करेगा, तो हम उल्टा हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले हमें ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो उसके बारे में, तो वो ट्रेंड कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो हम उसके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ मतलब कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लो पॉइंट से, जैसे ये हमारा चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट इसे बोलते हैं, ये हमारा लो पॉइंट है। इस लो से इसका प्रीवियस जो लो है, इसके बाद वाला जो लो है, इस लो के बीच में हम एक सीधी लाइन लेते हैं। जैसे ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लाइन है, इस लो पॉइंट से हमने एक सीधी दूसरी लो पॉइंट, ये है हमारी दूसरी मेन लो पॉइंट, ये है फर्स्ट लो पॉइंट, हम इसको इसे भी मान सकते हैं सेकंड लो पॉइंट, ये वाली है। इस लो पॉइंट को हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आ जाता है, सपोज ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, तो फर्स्ट बॉट ट्रेंड लाइन हमने कैसे ड्रॉ किया, इस वाले लो को सीधी लाइन मिलाया और एक सीधी लाइन हमने खींच दिया, तो ट्रेंड लाइन हमें सीधी लाइन हमने इस सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इस सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। तो अब ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, अपर ट्रेंड लाइन, मतलब अप ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन, मतलब कि इसके ऊपर ऊपर प्राइस रन कर रहा है, मींस कि ये अप ट्रेंड है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, तो आप समझो कि यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करता है नीचे की तरफ, तोड़ता है प्राइस, तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं। तो हमने ये अप ट्रेंड लाइन हमने खींच लिया। अभी अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से प्राइस फॉल करता है। सपोज यहाँ पे $40 पे ब्रेक डाउन हुआ है, और इसका यहाँ $35, मतलब $5 आपको बेनिफिट हो गया। अब डाउन ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, जैसे अप ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो सेम ऊपरी जो सतह है, अगर ऊपरी सतह है, जैसे हम ऊपरी लो पॉइंट, जैसे कि अब इधर डाउन ट्रेंड यहाँ हुआ है, इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ इस वाले और इस वाले लो को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड हमें मिल जाता है, डाउन ट्रेंड लाइन। ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन हो गया, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। इसके अगर इसके ऊपर जाता है तो प्राइस ब्रेकआउट करता है, जैसे हमें आ रहा है यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करता है डाउन ट्रेंड लाइन से, ये हम अप ट्रेंड लाइन में आते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। हमने सपोज $62 पे कोई चीज़ सेल किया है, क्रूड ऑयल का चार्ट है, हमने 50 पे सेल किया हुआ है, और इसे हम नीचे तक डाउन ट्रेंड, जहाँ भी ये हमारा $34 स्टॉप लॉस पे कट जाता है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। ऐसे ही हम डाउन ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इससे हमें सिग्नल मिल जाता है कि प्राइस किस दिशा में जा रहा है। ये आप लोग जान गए डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं या अप ट्रेंड कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस होता है ट्रेंड लाइन खींचने आ गया आपको, लेकिन अब क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के अंदर में प्राइस चैनल बनता है। मींस एक ट्रेंड लाइन हमने डाउन ट्रेंड ड्रॉ किया, एक अप ट्रेंड ड्रॉ किया, लेकिन प्राइस जो होता है हम एक चैनल में बिहेव करता है। चैनल मींस चैनल बोलते हैं इसको, सपोज ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड प्राइस चल रहा है, और ये लो को हमने ड्रॉ किया,
तो ये हमारा एक अप ट्रेंड लाइन हो गया, और ऊपरी प्राइस को, ये हमारा ऊपर वाला प्राइस को दूसरे अप वाले से हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या हो गया, चैनल हो गया। इसको चैनल, इससे हम चैनल बोलते हैं, मतलब इस चैनल के अंदर ही जाएगा। आप मान लो कि इस चैनल को ड्रॉ कर दे तो आगे की तरफ, अगर अगर ये प्राइस यहाँ ब्रेक डाउन नहीं करता तो इसी चैनल में चलता रहता है, इसी चैनल में चलता रहता है। तो ये चैनल में मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमने ड्रॉ कर दिया। अगर किसी का अप ट्रेंड है या कहाँ तक जा सकता है, इससे हमें क्या, चैनल से हमें क्या क्लियर होता है कि ये ऊपर यहीं से गिरेगा फिर यहाँ फॉल करेगा। अगर इसका अप ट्रेंड बरकरार है तो यहाँ से, जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया, अब इसका अप ट्रेंड है यहाँ, फिर डाउन ट्रेंड, अप एंड डाउन हमें प्राइस मिल जाता है, अप कहाँ तक जाएगा और डाउन कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। ये तो हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का चैनल हमने खींचा, लेकिन कोई प्राइस रिवर्स करता है डाउन की तरफ या अप की तरफ, या मतलब कि जैसे कोई बुल मार्केट में स्टॉक प्राइस बिहेव कर रहा है अप ट्रेंड की तरफ, अब वो कब डाउन हो जाएगा, और बहुत जब डाउन होता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ही फॉल आता है, उसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। और उसे भी हम इसी तरीके से अलग अलग इंडिकेटर वाइज हम स्टडी करके हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ओके थैंक्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और कोई अगर क्यूरी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर।